राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी नगर निगम प्रभारी दुर्गेश पाठक ने कहा कि भलसवा लैंडफिल साइट पर पिछले एक साल में लगभग 14 बार आग लग चुकी है, लेकिन निगम की सत्ता पर काबिज बीजेपी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि आए दिन भलसवा लैंडफिल साइट पर लग रही आग के कारण आसपास के इलाके में रह रहे लोगों को सांस लेने में काफी तकलीफ हो रही है। दुर्गेश पाठक ने कहा कि कूड़े के पहाड़ को कम करने को लेकर बीजेपी से कई बार सवाल पूछा कि क्या कार्रवाई की गई है, लेकिन इस पर कभी भी कोई जवाब नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि पूर्वी दिल्ली से बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ट्वीट पर ट्वीट करके बताते रहते हैं कि इतना काम हो गया है, लेकिन वास्तविक तौर पर भलसवा लैंडफिल साइट पर कूड़े के पहाड़ को कम करने के लिए कोई भी काम नहीं हुआ है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि लोगों में डर बना हुआ है कि यदि आग का एक छोटा गोला भी नीचे आ गया तो पूरी कॉलोनी में आग लग जाएगी। ये कूड़े के पहाड़ भारतीय जनता पार्टी के 15 साल का जो एक तरीके से भ्रष्टाचार रहा है, बेईमानी रही है, उसका सबसे बड़ा जीता जागता सबूत है। साथियों, इस महीने में कल चौथी बार भलसवा लैंड साइट में बहुत भीषण आग लगी है। अभी भी वहाँ पे आग बुझाने की कोशिश की जा रही है और आसपास के लगभग सारी कॉलोनीज में लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं। लोगों को दिक्कत यह है कि अगर ये पहाड़ की आग के गोले के रूप में अगर नीचे गिरेंगे तो कॉलोनीज के अंदर भी आग लगती चली जाएगी। हमने कई बार इसके ऊपर हम आपके बीच में इस मुद्दे को उठाया। हमने पिछले 15 सालों से ये अब हर दिन की एक कहानी बन गई है कि भारतीय जनता पार्टी के इस कूड़े के पहाड़ में हर दिन आग लग रहा है और हर दिन लोग वहाँ के परेशान हो रहे हैं। पिछले एक साल में लगभग 14 बार इस कूड़े के पहाड़ में आग लग चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। दुर्गेश पाठक ने साथ ही यह भी कहा कि कूड़े के तीनों पहाड़ों पर लगभग 80 लाख टन कूड़ा लदा हुआ है, जिसकी सफाई के नाम पर बीजेपी करोड़ों का भ्रष्टाचार कर रही है। कूड़े के पहाड़ को कम करने को लेकर बीजेपी से कई बार सवाल पूछा कि क्या कार्रवाई की गई है, लेकिन इस पर कभी भी कोई जवाब नहीं मिला है।